हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फिश एक्वेरियम हॉबी। मैं आपका होस्ट राहुल। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर एक नया टॉपिक लेके फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स कॉन्वेंट सिकलेट के ऊपर कि कॉन्वेंट सिकलेट में किस तरह से आप मेल फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ब्रीडिंग के लिए रेडी कर सकते हैं पेयर को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, आज हम कॉन्वेंट सिकलेट के मेल फीमेल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप कभी कॉन्वेंट सिकलेट का बेबी या फ्राइज लेके आते हैं तो ये 7 मंथ में अडल्ट हो जाते हैं, मतलब 7 मंथ में ये ब्रीडिंग करने के लिए रेडी होते हैं। और जब एक बार ये ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो उसके हर 4 मंथ के बाद, मतलब 16 वीक्स के बाद ये ब्रीडिंग करते हैं। इनका ब्रीडिंग साइकिल बहुत जल्दी होता है क्योंकि जब तक पुराने बच्चे बड़े होंगे इनका ब्रीडिंग टाइम फिर से शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड्स। 8 ईयर कॉन्वेंट सिकलेट का लाइफ साइकिल होता है। 8 ईयर तक कॉन्वेंट सिकलेट जिंदा रह सकती है। ये फ्रेंड्स बेबीज़ नहीं लिया करती, ये फ्रेंड्स अंडे ले करती है। ये डायरेक्ट बेबीज़ नहीं देती, जैसे कि मोली हो गई, गप्पी हो गई, इन सब की तरह ये डायरेक्ट बेबीज़ नहीं, अंडे ले करती है। अंडे से 10 से 14 दिन में बेबीज़ बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ब्रीडिंग सेटअप अच्छे से आप इसका कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इनमें मेल फीमेल कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए फ्रेंड्स, जो आप अपने सामने ये देख रहे हैं ये मेल है। मेल की बॉडी मेल से थोड़ी बड़ी होगी और इसके ऊपर देखिए जो हेड पे एक उभरा हुआ, जैसे फ्लावर होन के होता है उस तरह से हेड पे उभरा हुआ एक मार्क होता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का हेड उभरा हुआ होता है थोड़ा सा, तो ये मेल होती है फ्रेंड्स। बॉडी का कलर शार्प होगा, फिन्स बड़े होंगे और बॉडी बड़ी होगी, ये मेल है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फीमेल को कि फीमेल को कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए फ्रेंड्स, ये फीमेल है फ्रेंड्स। जो इसके आप पेट पे पैचेस देख रहे हैं ऑरेंज कलर के, ये जो इसके आप पेट पे रेड कलर के पैचेस देख रहे हैं ऑरेंज कलर के, ये फीमेल है फ्रेंड्स। ये बहुत इजीली मेल फीमेल फाइंड कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल मेल से छोटी होगी और उसके पेट पे ये ऑरेंज कलर के पैचेस होंगे। तो आप ये मेरे पास लाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, करीबन 5 मंथ्स हो चुके हैं मुझे इन्हें लाए हुए। तो अब ये ब्रीडिंग के लिए तैयार है फ्रेंड्स। मैं ब्रीडिंग सेटअप इनका मे बी आज या कल मैं सेटअप कर दूंगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरह से आप इसकी ब्रीडिंग करा सकते हैं। तो ये मेरा जोड़ा पूरी तरह से तैयार है ब्रीडिंग के लिए। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में मेल फीमेल का कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा, जिससे कि आप अपना ब्रीडिंग पेयर तैयार कर सकें। अगर आप शॉप से लेके आना चाहते हैं तो आप शॉप से मे बी मेल फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकें। और मैं बहुत जल्दी ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ कॉन्वेंट सिकलेट की। मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आशा करता हूँ मेरी दी इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।